सब्सक्राइब कीजिए बुडवक जेट के यूट्यूब चैनल को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं अपना बुड बॉय जेट के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जहीर। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा जो हमारा वार्डरोब होता है वो कैसा बनाया जाता है, इसमें जो डिज़ाइन होते हैं लेटेस्ट, इसके जो खाने होते हैं उसमें किस हिसाब से रखने चाहिए, और हमारा जो डिज़ाइन होता है वो किस हिसाब से रखना चाहिए, और उसका साइज़ के बारे में मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप पूरी वीडियो देखें लास्ट तक, आपको पता भी चलेगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिसमें कि आने वाली वीडियो में नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो में जैसे अटैच बाथरूम हो तो उसमें बना सकते हैं, ये देख सकते हैं। अगर आपको जैसे डिज़ाइन बनाना है, ये टीक प्लाई में वैसे ही डिज़ाइन है अपना टीक प्लाई में, और अपना ये पियो पॉलिश है, इस पर टीक अपना जो टीक प्लाई वीनियर होता है उस पर पियो पॉलिश है वाइट, ये एमडीएफ के ऊपर पॉलिश होती है। अगर आपको ज़्यादा फिनिशिंग में लेनी है तो उसके एमडीएफ के ऊपर अपने अंदर से खाने देख सकते हैं। अगर आपको जैसे कोट के लिए जगह छोड़नी होती है 40 या 42 इंची या 38 इंची, उसी हिसाब से छोड़ सकते हैं जो कोट का साइज़ होता है। ये अपने नीचे ये 6 इंची की ड्रोर है, ये अपना ड्रोर बना सकते हैं। अभी काम चल रहा है बाकी, तो ये फिटिंग वटिंग लग रही है तो अपना उसके हिसाब से बना सकते हैं। जैसे ये अपने अंदर ही होनी चाहिए, अड़नी चाहिए जो हमारे हैंडल में लगने के बाद। अपना नीचे सामान रखने के लिए जैसे बड़ा सामान रखना हो तो नीचे रख सकते हैं, और ये अपना नीचे ड्रोर बना सकते हैं। तो कुछ सामान ऐसा होता है छोटा मोटे सामान के लिए ड्रोर बनती है, उस हिसाब से अपनी ड्रोर बना सकते हैं। और ये अपना इधर भी लॉक है, उधर भी लॉक है, इसमें अगर आपको एक एक ड्रोर से ड्रोर लॉक बंद करना होता है तो उसके हिसाब से बंद कर सकते हैं। वैसे ही जैसे उधर डिजाइन है वैसे ही इसमें डिजाइन है अपना, वही ड्रोर है 6 इंची हाइट में, और इसकी जो चौड़ाई है जो भी बनती है 2.5 फुट या 3 फुट तो उसके हिसाब से बना सकते हैं। और ये अपना ये ड्रेसिंग है, ड्रेसिंग के साथ में अगर आपको जैसे स्टोरेज की जरूरत होती है हमारे जो सामान रखने के लिए, तो आप इस हिसाब से बना सकते हैं, अपने खाने लगा इसमें इस हिसाब से दे सकते हैं। ये अपने 12-12 इंची या 13 इंची का जो भी साइज़ बनता है उसके हिसाब से बना सकते हैं। नीचे 3 ड्रोर है, अगर आपको डिज़ाइन के हिसाब से इसी तरीके से लेना कलर चेंज अपना जैसे चेंज भी करना चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको यही कलर लेना तो इसी तरह से बना सकते हैं। इसमें 3 लॉक है, ये अपने 2 लॉक हैं नीचे वाली दरो है दराज, और ऊपर वाली में बिना लॉक की। ये शीशे के हिसाब से अपना जगह छोड़ सकते हैं जो हमारा शीशे में अड़े नहीं दराज, ये उस हिसाब से बनाना। तो यहाँ पर शीशा लग जाएगा, बाकी अपना जैसे साइड में अगर आपको ड्रेसिंग का सामान के और ज़्यादा सा जैसे छोटा सामान होता है, ड्रेसिंग का सामान काफ़ी होता है, उसके हिसाब से आप बना सकते हैं। ये 12 इंची चौड़ा बॉक्स है और 5 फुट लंबा या 4 फुट लंबा जो भी जगह बनती है आपकी, और ये 2 फुट है नीचे से हाइट, 3 ड्रोर है इसमें। इसकी जो गहराई है 14 इंची, ये अपना 8 इंची आपको बनाना 8 इंची, और ये अपना 14 इंची, उसी हिसाब से ये 4-5 इंची की जगह छोड़ कर जो डिज़ाइन भी देखने में अच्छा लगना चाहिए। 6-6 इंची की ड्रोर है आपकी, नीचे से सफाई के लिए जगह छोड़ सकते हैं जो ख़राब नहीं होने चाहिए नीचे। और ये अपना गेट है, अटैच बाथरूम है, तो बाथरूम के साथ में अटैच आपकी वार्डरोब बनानी होती है। स्लाइडिंग वार्डरोब बनती है, जैसे कम जगह होती है तो उसके हिसाब से स्लाइडिंग वार्डरोब ठीक रहती है और कम जगह में यूज़ हो जाती है। तो अपना सामान उसी के अटैच बाथरूम के हिसाब से बनानी अगर आपको है, अगर आपका ऐसा जगह है तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। ऊपर के अपने वाइट कलर का डोर से दे सकते हैं, और बीच में अपना डिज़ाइन अच्छा होना चाहिए, लेटेस्ट डिज़ाइन दिखना चाहिए, उसी हिसाब से आपको बनाना चाहिए जैसे अपना डिज़ाइन भी होता है। ये अपना बाथरूम है बॉक्स, अगर आपको देखना ये देख सकते हैं पास में आकर, और इसके अंदर आपको जैसे छोटा मोटा सामान होता है बाथरूम का तो उसमें अपना रखने के लिए इस जगह सेल्फ लगा सकते हैं बीच में। तो इसका जो साइज़ है अपना बॉक्स का तो 18 इंची बाई 20 इंची का आप बॉक्स बना सकते हैं, चौड़ाई 18 और हाइट 20 इंची, उसके हिसाब से अपना ले सकते हैं। तो इसी के साथ अपना बेडरूम, बेडरूम में आप देख सकते हैं अगर टीवी यूनिट का डिज़ाइन, तो टीवी यूनिट किस तरीके से बनाना चाहिए उसके बारे में बताता हूँ। टीवी पैनल है, टीवी पैनल अपना बना सकते हैं जो चौखट के लेवल से हाइट जो रखनी होती है चौखट के लेवल से रख सकते हैं। और अपना ये जो 12 इंची है अपना ये डिज़ाइन देना, अगर आपको जैसे ड्रोर बड़ी बनानी है तो ड्रोर बड़ी बना सकते हैं। गहराई जो देनी है इसकी 12 इंची, 10 इंची की बनती है दराज अपनी गहराई में, बाकी अपना डिज़ाइन इसी तरीके से दे सकते हैं। ये तार हमारे अंदर छुप जाते हैं, ये स्विच बोर्ड है इसी के अंदर तार रहते हैं, टीवी के जो पैनल होता है उसके पीछे ही तार रहते हैं, बाहर नहीं दिखते, और उसके हिसाब से अपना डिज़ाइन दे सकते हैं। ये इसका जो साइज़ है 5 फुट चौड़ाई है। बाकी लिविंग रूम का अगर आपको टीवी यूनिट बनाना होता है तो वो लिविंग रूम में बड़ा होता है, जो हमारा ड्राइंग रूम होता है तो उसका बड़ा होता है, तो अपना उसके हिसाब से अपना डिज़ाइन देख सकते हैं। इसमें जो हमारी सेल्फ हैं, ये सेल्फ लगा रखें, ये 8 इंची गहरे हैं, 2 इंची हाइट में है। अगर आपको जैसे लाइट लगानी होती है तो इसके अंदर लाइट लग जाती है, और ये हमारा 30 इंची चौड़ाई में, तो उसके हिसाब से अपना डिज़ाइन बनाना होता है।
और इसकी हाइट वैसी लेनी है आपको चौखट के लेवल से, जो हमारा लेवल होता है चौखट से ही होता है, जो हमारे दरवाजे होते हैं उसके लेवल से बनाया जाता है। और इसकी जो चौड़ाई है जैसे टीवी पैनल की, ये आपकी 9 फुट या 10 फुट बना सकते हैं, उसके हिसाब से अपना डिज़ाइन ले सकते हैं। अगर आपको जैसे एंट्री होती है, एंट्री में अपनी गोलाई दे सकते हैं जो कोने लगे नहीं, और ये अपना 12 इंची हाइट में बना सकते हैं। ये ड्रॉर है, एक बार ड्रॉर दिखा दो पास में आगे। तो ये अपना अंदर ही लैमिनेट है इसमें, और बाहर से पीओ पॉलिश है। ये 3 ड्रॉर हैं, इसकी जो चौड़ाई 2.5 फुट की है और हाइट 8 इंची। बाकी जो मोटाई देनी होती है तो उसके हिसाब से सेम ही देनी होती है सभी की, तो आप मोटाई उस हिसाब से दे सकते हैं। यहाँ पर कोब लाइट लग जाएगी और अपना ऊपर डिज़ाइन दे सकते हैं। यहाँ पर भी कोब लाइट लग जाएगी, जो अपने LED लाइट होती है वो लग जाएगी इसमें, जो लाइट जलने के बाद नज़र आनी चाहिए। अभी काम चल रहा है वैसे, जैसे तैयार होगा तो बाग की वीडियो बाद में आ जाएगी। किस हिसाब से देना चाहिए, जैसे पिलर ढकना आपको तो चारकोल से ढक सकते हैं, ये अपनी चारकोल है। ये छत का 4 सीलिंग का डिज़ाइन अगर आपको बनाना है तो उसके हिसाब से अपना डिज़ाइन दे सकते हैं, और ये अपना चारकोल का डिज़ाइन। और मैं आपको वैनिटी भी दिखा देता हूँ, अगर आपको वैनिटी बनानी होती है तो इसका जो साइज़ है हमारा रैगों का 11 रूम का साइज़ जो है हमारा, अगर आपको बनाना होता है जैसा आपका साइज़ इसी साइज़ का होता है, तो 12 फुट चौड़ाई है उसकी, और उसकी जो लंबाई है 25 फुट। ये अपनी वैनिटी है, जैसे बाथरूम के साथ में अगर आपकी जगह बचती है तो वैनिटी बना सकते हैं। ये WPC बोर्ड बननी है, वाटरप्रूफ। ये अपने 2 डोर्स लगा रखे हैं नीचे, ये देख सकते हैं। पाइप आपका जैसे वेस्ट पानी के पाइप के लिए जगह वो जो बनानी होगी पीछे से बन जाएगी इसमें जगह। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन दबाने और बोले कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, तो अच्छे अच्छे वीडियो बनाते रहते हैं। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे, अपना रखिए ख्याल। थैंक यू फ्रेंड।